अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेफ फैसल तानी सोकर कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। जो रेसिपीज टाइम पर तमाम मज़ेदार फरमाइशन के हिसाब से अज मैं वेजिटेबल से ही ठाईंदी दाल वेजिटेबल की रेसिपी छा मच्छी ठाई हुई जैसे वीक स्टार्ट कर तो चिकन की मंदी ठाई हुई अज मैं वेजिटेबल छा वेजिटेबल फैमिलीज वेजिटेरियन उनको भी ख्याल रखबो वो भी घर में भाजियों और दाल पचंदी है हर वक्त चिकन से खाइंदा क्यों तो इन कर डिफरेंट किस्म की रेसिपीज तेज सामू आंदा हूँ। अज मैं टाइम पे दालचा यो हैदराबादी डिश है दालचा काफ़ी वैरायटी होंगी है जिसमें गोश से गड भी ठहे तो चिकन से गड भी ठहे तो बीफ मटन में वेजिटेबल से गड भी ठहे तो मैं अज टाइम पे लौकी से गड दाल है दालचा टही मज़ेदार चटपटी ये दाल ठांदी ठीक है जो लौकी न खाए तो उनके साथ वांगण से गड भी खाई सके तो गोश से गड भी उनके तरीकेकार वर्बली बुधाई चंदी उनसे गड एक अचार ठाए पे साई मिर्चन जो अचार तमाम मज़ेदार क्विक अचार है जो 6 महीनों तक तुम घर में रखी खाई सोता ठीक है उनसे गड एक भी रेसिपी ठहे पे गजर जो पिताई गजर अजकल अस सलाद में भी खाइंदा वो साई बसर की भाजी फॉरन क्विक रेसिपीज हैं ये नोट कजो सुबह जो 11 लगे रिपीट हलो कुकिंग विद शेफ मुझे पेज हो तो रेसिपी अपलोड थी। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं वेजिटेबल पर बना रहे हैं दालचा आपने नाम सुना होगा हैदराबादी डिश है दालचा बहुत ही मज़े का बनता है तो इसको हम लौकी के साथ बना रहे हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ भी बनता है और गोश्त के साथ खासकर ही बनाया जाता है लेकिन मैं सोचा कि आज लौकी के साथ बनाऊं गर्मियां भी आ रही तो सब्जियों का इस्तेमाल हम वैसे भी करते हैं। दालचा बनेगा हरी मिर्चों का अचार बनेगा कोई रेसिपी है हरी मिर्चों का अचार जो आप 6 महीने तक बना के रख सकती हैं ठीक है और उसके अलावा हरी प्याज और गाजर का मैं भुजिया बनेगी बिल्कुल ये भी बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है तो ये तीनों रेसिपीज़ नोट कीजिएगा सुबह 11 बजे रिपीट चलता है स्क्रीन पर नंबर चल रहा आप कॉल कर सकती हैं और कुकिंग विद शेफ मेरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाएगी। किचन में हलूँ था रेसिपी स्टार्ट कूँ था दालचा ठाँ था पहली सभी का पहली दाल जो ठाँदी तमाम मज़ेदार या ज़रूर नोट कजो इनके ज़रूर ठाए जो सुबह जो मां अपलोड करे वठंदम सुबह जो रिपीट भी हले तो ठीक है। दालचा जला असा के लौकी खपे ऐ दालू केड़ी केड़ी खपन दालन जी डिटेल मां ताके बताई तो छना एक पा दाल है मिक्स जे में अध पा चणन जी दाल है अध पा मुंगन जी दाल है ऐ अध पा मसूर जी दाल है जेका गुलाबी कलर जी हुंदी है ठीक है। अध पा मुंगन जी दाल अध पा चणन मसूर मसूर जेका धुली हुई मसूर हुंदी है पिंक कलर जी दाल उहा है मुंगन की भी पीली दाल है जो नॉर्मल घर में यूज़ थी अध पा सॉरी एक पा तुम उनमें करी वो मिक्स करी बाकी तुम इनके अंदर 125 ग्राम जितनी तुम विझी छो चणन की दाल यानी अगर उन्हें समझे तो एक कप चणन की दाल अध कप मुंगन की दाल अध कप मसूर की दाल मिक्स कर इनके 2 कलाक पिसाए जो बॉयल कर छो बॉयल करने का इनके पीसे छो ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ दालें किस तरह मैंने बनाई हैं एक कप आपने लेनी है चने की दाल 1 से 1.25 कप और ये देखें दालें बॉयल करके पीसी हुई है नमक वगैरह कुछ भी नहीं है 1 से 1.25 कप चने की दाल है आधा कप आपने मूंग की दाल ले ली है धुली हुई आधा कप मसूर की दाल धुली हुई लेनी है ठीक है। तीनों दालों को भिगोने के बाद आपने बॉयल करना अच्छी तरह उसके बाद आपने इसको पीस लेना है ठीक है। ये बिल्कुल पीसी हुई दाल है तैयार है बॉयल हुई ठीक है। इसमें लौकी हम डाल रहे हैं 3 पाव जितनी आधा किलो से 3 पाव लौकी है लंबी वाली लौकी थी इस तरह कटिंग कर लें गोल वाली है तो 4 पीस कर लें ठीक है। लौकी के पानी में पिसायल है इन करे के कारी ना थी लौकी जहाँ वड़ा वड़ा पीसेस करे छड़े इन तरीके से तुम कटिंग कर अध किलो का 3 पाव लौकी है स्टार्ट क्यों था इन डिटेल में सजी रेसिपी तक बताया तो ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं और साथ साथ पूरी डिटेल बताता जाऊँगा क्या क्या चीज़ कितनी क्वान्टिटी में हमने डाली है ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर भगार बनाएंगे ऑयल तकरीबन भगार अच्छा इसका जो भगार बनता है दालचा का वो एक साथ ही बनता है ठीक है। पीछे ऊपर से दाल के ऊपर भगार नहीं दिया जाता जो इसका भगार होता है वो पहले बना के उसके बाद दाल और लौकी इसमें बनाई जाएगी ठीक है। इतने असा खड़ंदासी अध प्याली ऑयल आधी प्याली ऑयल जितना हसबे ज़रूरत हम घर में यूज़ करते हैं तकरीबन 8 खाने के चम्मच 6 से 8 खाने के चम्मच ऑयल गर्म किया। इसमें हमने क्या क्या डालना है तेज़ पत्तो दालचीनी की 2 स्टिक ऐ नंढा फोटा ठीक है। छोटी इलायची 4 अदद ये दिखाईगा 2 अदद दालचीनी की स्टिक और 2 छोटे तेज़ पत्ते अगर बड़ा पत्ता है तो 1 डालें छोटे तो 2 ठीक है। तेज़ पत्ता 2 अदद दालचीनी दरमियाने साइज़ की स्टिक 1 बड़ा तेज़ पत्ता 4 अदद छोटी इलायची डाल दें ठीक है। इन जो दाग ठाँदो दाग ठाने का इनके अंदर जो शयूँ असं विझंदी वो तक बुधाइंदा हलूँ था सभी का पैं 6 खां 8 खंड के चमचा ऑयल गरम कर दालचीनी की 2 डंड विझो 4 नंढा फोटा विझो तोड़े विझो खुशबू अचे उनके अंदर तुम विझो तेज़ पत्तो 1
जी हाँ जी, खुशबू निकलने इनमें विझासी मेथी दाना जीरो, ठीक है। जैसा इसकी खुशबू निकलने लगेगी मेथी दाना डालेंगे क्वार्टर टी स्पून, चौथा चाय का चम्मच मेथी दाणो हुरबे जहाँ बिझुंदा, ठीक है। उनसा अगर जीरो विंदो एक चाय जो चमचो, एक चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा और मेथी दाना मैंने इसमें डाल दिया। कितना मेथी दाना मैंने इसमें डाल दिया है? क्वार्टर टी स्पून, ठीक है। चौथा चाय का चम्मच मेथी दाना और उसके साथ एक चाय का चम्मच जीरा, ये भगार बनेगा। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता जी, 10 से 12 अदद कड़ी पत्ता। कॉल बटू था, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं सही ठीक ठाक। मैंने कहा आप बोल रहे हैं ना दालचा, मैंने कहा चल जी हमें पता है दालचा। क्या कह रही है? क्या आप कह रहे हैं ना कि आप सबको पता होगा दालचा, तो मैंने कहा हाँ हमें पता है जी। जी हाँ, दालचा बना रहा हूँ आज। नहीं अच्छी रेसिपी है जी, बड़े मजेदार। अच्छा, क्या कह रही है? बनाऊंगी मैं ये रेसिपी आपके। हाँ जरूर बनाइएगा, जरूर बनाएगा। दालचा गोश्त के साथ भी बड़ा मजे का बनता है, लेकिन मैं लौकी के साथ बना रहा हूँ आज। हाँ जी, लौकी के साथ भी अच्छा होता है। हाँ जी, हाँ जी, लौकी के साथ भी मजे का बनता है। और आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, खालिद भाई किधर हैं? खालिद भाई इधर ही बैठे होंगे, कंट्रोल रूम में ही हैं। अच्छा, आवाज तो नहीं आई खालिद भाई की जी? आवाज नहीं आई खालिद भाई की? वो मैं सीट पे नहीं होंगे, ऊपर गए होंगे स्टूडियो में ना। अच्छा अच्छा, चले तो भी मेरी तरफ से सलाम पूरी टीम को। चलें ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे हमने हरी मिर्चें डाल दी थी, फरजाना शाकिर जी कॉल आई तो मैं इनमें सावा मिर्च विधा, कड़ी पत्तो विधो, दाग सुठो थी वे पोइन में विझंदासी एक गंढ बसर जी, हाफ स्लाइस कटिंग थियल, ठीक है। एक अदद प्याज डाल दिया, हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ, बहुत मजे का बनता है दालचा। इसी तरह आपने बनाना है खुशबू जो भगार की, वो पहले ही हमने बना देना है भगार, ठीक है। दालचा जी रेसिपी वरी रिपीट कराएं, पर इनमें छाछा विधो, इनमें मां ऑयल खयो, अठ खण जो चमचा ऑयल विधो, गरम कयो, उनमें विझंदासी नंढा फोटा तकरीबन 4 अदद, दार चीनी जी 2 डंडियूं, ऐं हिकु तेज़ पत्तो 1 खां 2 अदद विझो, ठीक आहे। उन खां पोइ इनमें अछो जीरो विझंदो, हुरबे जा बिज जेको मेथी दाणो हूंदो आहे जीरो हिकु चांहि जो चमचो, हुरबे जा बिज जेका मेथी दाणो आहे क्वार्टर टी स्पून विझंदासीं, कढ़ी पत्ता 10 खां 12 अदद, कढ़ी पत्तो नाहे त न विझिजो, आहे त सुठी ॻाल्हि आहे, अगरि नथो मिले त किथां घुराए हुनखे खुश करे सघो था, खुश करे पैकेट में बंदि करे रखी छॾो। पोइ सावा मिर्च विच मां 2 खां 3 पीस करे 4 अदद 3 अदद सावा मिर्च विझी छॾिजो, ठीक आहे। अगरि तिखा आहिनि त 2 विझिजो, नॉर्मल आहिनि सावा मिर्च त 3 खां 4 विझी छॾिजो, ऐं जो दाग ठहे थो, ठीक है। 6 से 8 खाने के चम्मच हसबे ज़रूरत हमने ऑयल लिया, आधी प्याली जितना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला, छोटी इलायची तोड़ के डालनी है 4 अदद, 2 अदद दालचीनी की दरमियाने साइज़ की स्टिक, 1 तेज़पत्ता बड़ा, छोटे हैं तो 2 डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपने सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच डालना है, क्वार्टर टी स्पून आपने इसमें डाल देना है मेथी दाना। उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है, कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद, अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर आप ना डालें, अगर है तो डाल दें, ठीक है। और उसके बाद हरी मिर्चें 20 से 2 करके 3 अदद हरी मिर्चें डालें, अगर बहुत तेज़ हैं हरी मिर्चें तो 2 डालिए, तो वरना 3 से 4 डाल दें, भगार बनेगा। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि दाल और इसमें प्याज हम ज़्यादा ब्राउन नहीं डालते, गोश्त में डालता है ज़्यादा ब्राउन, ठीक है। वधीक बसर के गाढ़ो न कजो, गुलाबी थी वेंदो कलर थोड़ो, बसर जो जीअं चेंज थियणु लॻंदो, हिन में विझंदासीं 2 अदद टमाटा चॉप थियल, ऑमलेट वांगुरु चॉप करे टमाटा इनमें विझंदासीं 2 अदद, ऑमलेट की तरह चॉप करके टमाटर डालेंगे 2 अदद, ठीक है। प्याज को अभी थोड़ा ब्राउन करते हैं, थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो फिर सालन का कलर चेंज हो जाता है। गोश्त में, चिकन में और मछली के सालन में या बिरयानी के लिए हम लोग जो बनाते हैं वो प्याज आप ब्राउन किया करें, ठीक है। हिते बसर जो कलर चेंज थे पियो, जीअं ही चेंज थींदो हिनमें असां विझंदासीं टमाटा, टमाटा विझण खां पोइ जंदा मसाला वेंदा, अदरक थूम जो पेस्ट वेंदो हाणे, ठीकु आहे। हिन स्टेज ते जॾहिं तव्हां ॾिसंदो बसर गुलाबी थियणु लॻो आहे, डार्क कलर अचणु लॻो आहे, 1 टेबल स्पून अदरक थूम जो पेस्ट वेंदो। जब आप देखेंगे प्याज लाल हो गया है, ठीक है, गोल्डन कलर आने लगेगा, तो अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, खुशबू आएगी अदरक लहसुन के पेस्ट की, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए जी। मोरो का कॉल बटू था, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यदि कह रहे हैं छा नालो है तुम्हारा? अदा तनो नालो माहिन आए जी, माहिन मारवी, छा हाल है तुम्हारा? प्रोग्राम दिसो पिया दादा से ना दसो का दादा प्रोग्राम दिसना होता कि दादा तुम्हें प्रोग्राम पसंद है। मेहरबानी को फरमाइश आदी तुम्हारी तमाम घणी महिरबानी, दुआउनि में यादि रखिजो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, ठीकु आहे।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे टमाटर डाल के मैंने नरम करने के लिए टमाटर रख दिए थे ताकि टमाटर थोड़े गल जाए। जॾहिं टमाटा हिते विझंदासीं इनमें नरम थी वेंदा, इनके थोड़ो भुंजंदासीं। हिन दौरान असां इनमें मसाला विझंदासीं। जब टमाटर दो मिनट गलाने के लिए कवर कर देंगे, टमाटर नरम हो जाए, हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, एक चाय जो चमचो पीठल हेड, एक चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, ब चाय जा चमचा पीठल धाणा, ब चाय जा चमचा पीठल धाणा ऐं अधु चाय जो चमचो लूण। ठीक है, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। इसको थोड़ा भुनाई करेंगे, इसके बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे। ठीक है, नसरीन कराची का इन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी तारीफ करनी थी कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक चीज बहुत बहुत हमें समझ में आ जाती है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू थैंक यू। कोई फरमाइश है आपकी? जी फरमाइश बस वही है, मैंने कहा था मच्छी पल्ले का मच्छी, हाँ हाँ वो वाली रेसिपी मैं बनाऊंगा जरूर आपके लिए ना। हाँ जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब से मैंने आपका शो देखना शुरू किया ना, तो फिश की मैंने एक भी रेसिपी नहीं देखी है ना। परसों मैंने बनाई थी फिश, आपने नहीं देखी? सिंधी ट्रेडिशनल फिश बनाई थी जो? नहीं ना, कहाँ देखी मैंने। अब ये आपसे मिस हो गई, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने दिन आपका शो आता है। शो मेरा आता है जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। अच्छा, यानी जुमेरात से स्टार्ट है, मैं जुमे से स्टार्ट है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार 5 से 6 लाइव होता है, और अच्छा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर जो है ना, दूसरे दिन सुबह 11 बजे रिपीट होता है, अब सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा ये। अच्छा जी, तो ये है कि अब हो सके तो वो फिश की जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी दिन, मगर ये कि नए तरह से भी बनाना सिखाइएगा, मुझे बहुत शौक है सिंधी रेसिपीज का। सिंधी, परसों मैंने बड़ी जबरदस्त रेसिपी बनाई थी, ट्रेडिशनल डिश थी, आलू प्याज के साथ उसका दम पे लगा के हरे मसाले के साथ। अगर आप फेसबुक ज्वाइन किया हुआ है तो आप वहाँ देख लें। नहीं, फेसबुक यही तो मसला है सारा, इतने नहीं है पढ़े लिखे ना, फेसबुक समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट वीक बनाऊंगा फिश, आप देखिएगा। ठीक है, वही वाली जो आप कह रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा जी। अच्छा, ब्रेक जो टाइम के पे हो, इसको थोड़ा भूनते अब ब्रेक पे जाने वाले हैं। तो क्या है, लौकी जो मैंने लंबाई में कटिंग की हुई थी ये इस तरह की, ये लौकी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तकरीबन 1.5 से 1/2 किलो जितनी लौकी है, लौकी डाल के इसको थोड़ा भूने। ठीक है, लौकी विधि इनके भुंजंदासीं, भुंजण खां पोइ इनमें पाणी थोरो विझंदासीं, मां 1/2 कप पाणी विझी इनखे दम ते रखंदमि, जॾहिं ही लौकी ॻरी वेंदी तयार थी वेंदी। जेसिताईं ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ रेसिपी कंटिन्यू कंदा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको दालचा जी रेसिपी ठहे पई तमामु मज़े, तव्हां में खुशबू अचे पई, जेको दाग ॾिनो आहे उहो तमामु सुठे मसालनि सां गॾु ॾिनो आहे। ऐं हिते लौकी जेको मां हिनजे अंदरि विधी हुई ऐं हुनखे पाणी विधो 1/2 कप, ऐं लौकी खे, लौकी तकरीबन 20 खां 25 मिंट में ॻरी वेंदी आहे। ठीकु आहे, हिन में दाल बि वेंदी। लौकी जो मैंने डाली थी तो उसको थोड़ा 5 मिनट भूनना है अपने लौकी को, 4 से 5 मिनट, ताकि उसके अंदर फ्लेवर आ जाए मसाले का, सारा भुनाई का। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल के कवर दे दिया था, जब तक हमारा ब्रेक हुआ, और कवर करके ये मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाई है लौकी, ऑलमोस्ट 50% गल चुकी है। ठीक है, हाँ लौकी 50% गरी वही है, जेका दाल हुई बॉयल थियल ये इनके अंदर हली वेंदी, बॉयल की हुई दाल इसके अंदर चली गई। ठीक है, और इसको हम करेंगे मिक्स, 1-2 उबाल आने देंगे इसमें, उसके बाद इसको पकाएंगे, ताकि बहुत मज़ेदार दालचा बनेगा। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा हल्की आंच पे, फिर इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा, और उसके साथ सिनेमम पाउडर जो होता है, वो क्या कहते हैं, दालचीनी का पाउडर, वो 1/2 टीस्पून लास्ट में डलता है, उसी का ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ठीक है, हाँ मैं इनमें दाल विधी है इनके मिक्स करायां पर चंगी तरह इनमें बॉयलिंग इंदी, पोइ इनके 15 मिनट पचण ॾींदासीं हल्की बाहि ते, सावा धाणा, सावा मिर्च वेंदा इनमें, गरम मसालो पाउडर मथा वेंदो, गिदामड़ी जो थोड़ो सो पेस्ट वेंदो, 2 खाइण जा चमचा, ऐं हुन सां गॾु हिनमें छा वेंदो, दालचीनी जो पाउडर। ठीक आहे, तमामु मज़ेदार दालचा जी रेसिपी, अच्छा चांवर जेका असां बॉयल हूंदा आहिनि हुन सां गॾु इहे सर्व थींदी आहे, मानी सां बि खाई सघो था, लेकिन असल इहे दाल आहे चांवरनि सां खाइण वारी, वाइट राइस सां गॾु। ठीक है, ये वाइट राइस के साथ खाई जाती है दाल, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इमली का पल्प डालूंगा 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच इमली का पल्प जाएगा गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा पे ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत खट्टी हो जाएगी, 2 टेबल स्पून काफ़ी है जी। कंदकोट का कॉल उठा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नदी?
ادھا خیر تام گائے ودا خیرا الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام دسو کیا ٹھیک ہے اللہ جو شکر جی ادھا ہاں پروگرام دسو کیا جی ادی کو فرمائش ہے تان جی ہاں جی ادھا کوفتہ ٹھائن سکھاریو کوفتہ ہاں مکے ٹھائن ہیں کوفتہ حالانکہ میں لاسٹ منتھ ٹھایا ہوا وری فرمائش اچھے پئی تو تھوڑا انتظار کجو ایک بہ ویک میں ٹھائیں دم ٹھیک ہے جی ادھا ٹھیک ہے جی اوکے جی تھینک یو اللہ حافظ اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا اس میں میں نے املی کا پلپ ڈالا اب ہری مرچیں ثابت ڈال رہا ہوں بہت زیادہ نہیں چار عدد ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ مرچوں کا ٹیسٹ آ جائے گا چار عدد ہری مرچیں باریک والی یا موٹی والی ڈال دیں چار عدد ساوا مرچ ہلیا ویا ٹھیک ہے ساوا دھانا ان جن بعد میں وجنداسیں ان کے تھوڑا میں ان میں پانی وجندم اگر تاکہ لگے ہی گھاٹو تھے پیو فورن تو ان میں تھوڑا پانی وجنداسیں ٹھیک ہے اب میں اس میں ایک پیالی پانی ڈال رہا ہوں کیونکہ فوراً دال ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا گاڑھا پن آ رہا ہے اگر آپ کو لگے گاڑھا پن آ رہا ہے آپ اس میں ایک پیالی پانی ڈال دیں آدھے کپ سے تھوڑی اوپر ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ سیکنڈ ریسیپی پہ آ جاتے ہیں کور کر دیں ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں آخر میں گرم مسالہ پاؤڈر اور دھنیا اور وہ جائے گا کیا کہتے ہیں دار چینی کا پاؤڈر بالکل آرام سے یہ کھڑی سائڈ میں رکھوں تھا یہ دمتے رہن دو پندرہ منٹ پچن دو آئل متھے اچھا لگن دو تو وہی ریسیپی اسانجی صفا تیار تھی ویندی ایک انداز میں ڈش آؤ ٹھیک ہے ہاں اچھا بھی جی بھاجی ٹھہندی تمام مزیدار یہ ریسیپی ہے بی بی اس کے کھپے سائی بسر ٹھیک ہے سائی بسر ہے ایک پاؤ چوپ تھل ہری پیاز ایک پاؤ ہے کٹنگ کی ہوئی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو سے تین عدد گاجر لے لیں تین کپ جتنا ٹرے کپ گجرا ہے پتائی ٹھیک ہے یہ کٹنگ تھل ہے اتنے بسر ہے ایک پاؤ سائی بسر ہے ٹماٹو ان میں ایک وڈو یا ننڈا ٹماٹا ویندا باقی ان میں نارمل مسالہ جکا اسا گھر میں یوز کرنا ہے وہ ہے ٹھیک ہے پانی تھوڑا ان جو خوش کرے چلوں اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل چھ کھانے کے چمچ سکس ٹیبل اسپون سبزی میں آئل ہمیشہ گھٹ یوز کرنا کیوں ٹھیک ہے سکس ٹیبل اسپون ہم نے آئل ڈال دیا ٹھیک ہے آئل جیسے گرم ہوگا سب سے پہلے ہم اس میں کیا ڈالیں گے اس میں ہم بھگار بنائیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں کڑی پتہ اچھا کڑی پتا آپشنل ہے نہیں ہے تو نہ ڈالیں میں ڈال رہا ہوں خوشبو کے لیے کڑی پتو نہ آئے تو ڈائریکٹ آئے جو ٹھیک ہے نہ وجھجو کڑی پتو میتھی دانا اٹھ ڈہ دانا چھ کا اٹھ دانا ودھیک نہ کوڑا تھی ویندا ہربے جا بج جکا ہوندا میتھی دانا کوارٹر ٹی اسپون سے بھی کم ڈالے گا بہت زیادہ کڑوے ہو جاتے ٹھیک ہے رائی جائے گی اس میں تھوڑی سی ہاف ٹی اسپون رائی ہاف ٹی اسپون سفید زیرا ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اس کا بنے گا بھگار کیا کیا ڈالا ہے تیل لیا سکس ٹیبل اسپون میتھی دانا آٹھ سے دس دانے کڑی پتے چار پانچ عدد آپشنل ہے نہیں ہے تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے رائی ڈال دی آدھا چائے کا چمچ سفید زیرا آدھا چائے کا چمچ ہری مرچیں یہاں پہ کٹنگ کی ہوئی ہیں میرے پاس تو یہ میں پانچ چھ ڈالوں مینس کے دو عدد ہری مرچوں کو چاپ کر کے بھگار میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ساوا مرچ بہت کٹنگ تھل ہوا تو یہ ماں وجی چلے ساوا مرچ بہ عدد ٹے عدد ان کے اندر وجن دو ساوا مرچ وجن کا پوئن کے اندر چھا وجن سی گجر ہری پیاز کے ہری مرچ ڈالنے کے بعد جیسے وہ بھگار سا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے گاجر ٹھیک ہے گاجر چاپ کی ہوئی ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ جتنی دو کپ تین کپ گاجر جتنی آپ کو اچھی لگے گاجر ڈالی اس کو دو منٹ پکائیں گاجر نرم ہو جائے گی مزیدار یہ سبزی بنتی ہے بہت روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ اس کو کھائیں ٹھیک ہے پراٹھے سا گڈ مانی سا گڈ یہ تاں کھائیں تو مسز جاوید سانگھڑ کا السلام علیکم وعلیکم السلام ادا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ادی تاں بدایو چھا لائن اللہ شکر ادا تھی کہتا ہے پروگرام دسو گا ہے ریسیپی تھوڑی نکلی ہوئی ہے نا ریسیپی کجو پلیز کیڑی ادی دال واری جی 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 دال واری ٹھیک ہے ماں ہانے ریپیٹ کرایا تو ٹھیک ہے ادا نے یہ دیو تا جو کونے دی لیمن اسکوائر ٹھایو نا وہ اساں کے تھوڑا ریپیٹ کجو پلیز ہلو ہلو ٹھیک ہے ماں ریپیٹ کرایا تو بھائی شین ٹھیک ہے دی اوکے جی اچھا اس میں میں نے اسپون چلایا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دال جو ہوتی ہے نیچے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے بوائل دال ہوتی ہے نیچے لگ جاتی ہے اسٹارچ ہوتا ہے نشاستہ ہوتا ہے دال کے اندر تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے دال میں بھی نشاستہ ہوں کدے کدے دال جی بوائل اصل وجہ آئیں ہیٹا لگن شروع تھی تو وچ میں ایکڑے دفعہ چمچو ہلائے چاہتا کہ جی ہاں منہ چمچو ہلایا تو ان میں دال تھوڑی ہیٹ لگے پی وی رہی ہوئی ہیٹ ب منٹ ان کے کور کر گجر تھوڑی فرائی تھی جلدی ٹھیک ہے گاجر جب آپ کی دیکھیں گے فرائی ہونے لگی ہے نرم ہو گئی اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے ٹھیک ہے مسالے ہم پہلے ڈالیں گے اس میں ہری پیاز ایک پاؤ ہری پیاز چاپ کی بھی بہت مزے کی سبزی بنتی ہے ہری پیاز کی بھی ٹھیک ہے ایک پاؤ ہری پیاز چاپ کی بھی ڈال دی ہری پیاز ڈال کے اس کو مکس کریں ہری پیاز نرم ہو جائے گی سافٹ ہو جائے گی اس کے اندر ہلو جی انم جی کال وٹوں دا السلام علیکم وعلیکم السلام انم شاہ حال ہیں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تم بتاؤ تھینک یو
गुलदस्ता है वारो जी हाँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है सुठी बात तां शायद नए किचन में हाने कॉल कई हाने रिसर्च शुरू कयो है ना दिसो पर मुखे हो त समझ सदा ही पर मिस थी इंदो अच्छा 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 ठीक है यो चाल है फ्रेश हुई को चैन चाहिंदो को फरमाइश है जी हां दा रिक्वेस्ट हुई कड़ी मुंजी बिल्कुल बुधायो कड़ी रिक्वेस्ट है पता है कि शिमला मिर्च थींदा आहिनि जर्मन मिर्च न जे शिमला थींदा आहिनि कीमो भरियल कोन जेको ठाहिबो उहो थोरो ॿुधाइजो रेसिपी शिमला मिर्च कीमो भरियल जी जी हलो ठीक है इंशाल्लाह ठाई देखरंदासी तांके ठीक है जी हां चलो ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़ ठीक है इसको स्पून चला रहा हूँ क्योंकि दाल लगे ना ठीक है इस तरह बीच बीच में स्पून चलाएं बस लौकी गल जाएगी ऑयल ऊपर आ जाएगा दालचा हमारा हो जाएगा तैयार हल्की आंच पे हिते माइन में टमाटा विधा साई बसर विधी और उन गड माइन में छा विधो बस हाँ सॉरी टमाटा ही साई बसर विधी गजर थोड़ी देर नरम थी उनका वो साई बसर विधी टमाटर विधा ठीक है हरी प्याज और टमाटर डाल दिए अभी मसाले मैंने नहीं डाले ताकि टमाटर गल जाए इसके अंदर नाहिद खान की कॉल लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं फैसल ठीक बिल्कुल ठीक ठाक आप क्या हाल हैं आप बताएं जी अल्लाह का शुक्र है फैसल सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आजकल जो आप मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सिंध में तकरीबन गर्मी की आमद आमद नहीं है बल्कि आ ही चुकी है क्या गर्मी हाँ जी बिल्कुल आ गई है जी तो आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल लाइट लाइट चीजें बना रहे हैं मैं भी ये चाहती हूँ कि आप कम से कम दो मतलब औसत जो है ना आपका ये दो आइटम तो आप डेली बना ही लेते हैं कभी कभी तीन भी बना लेते हैं हाँ मेरी कोशिश होती है वेजिटेबल्स तो रखूँ ज्यादा ना जी वेजिटेबल भी और ये हल्की फुल्की जिस तरह दाल चावल या आलू के चावल या मटर के लाइट से चावल जी जी हल्की फुल्की खिचड़ी मुख्तलिफ किस्मों की इस तरह की ताहरी जो होती है हाँ जी आलू के चावल इस तरह की चीजें ये या दालों की मुख्तलिफ अशकाल जैसे चने की दाल है या दूसरी दालें हैं जी जी बिल्कुल ये इनको भी थोड़ा सा क्योंकि गर्मी में बहुत हैवी कढ़ाई गोश्त हाँ गर्मी में भी लाइट चीजें अच्छी लगती हैं बहुत ज्यादा ना फिश चिकन ये अच्छी भी नहीं लगती हैं जी 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 बिल्कुल जिस तरह लौकी का सारंग है लौकी को अक्सर चने की दाल में लोग बनाते हैं लौकी बहुत अच्छी चीज है गर्मियों के हिसाब से लौकी है तुरई है ये चीजें अच्छी होती है ना जी बिल्कुल तो आप एक आध आइटम दाल या इंशाल्लाह इस तरह का भी बिल्कुल आज भी जैसे मैंने वेजिटेबल और दाल ही रखी है ना तो इस वजह से मैं वीक में एक दफा दो दफा जरूर रखता हूँ ये ना बहुत बहुत जबरदस्त है और मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ये जो मिलाप है आपका इसका सब्जी का और ये दाल का हाँ ये फर्स्ट टाइम मेरी नजर से गुजर रहा है मैं बड़ी पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख रही हूँ इसको और ये बनाइएगा बहुत मजे का बनता है व्हाइट राइस के साथ आप खाए ना बहुत मजे का लगता है अच्छा इसका नाम क्या है तरकारी का दालचा अच्छा अच्छा ठीक है मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी इसकी और मैं शुरू में नहीं देख सकी हूँ शुरू का जो 10 मिनट का प्रोग्राम है मैंने तो इंग्रेडिएंट्स रह गए मैं पूरा रिपीट करता हूँ डिटेल में पूरी रिपीट करता हूँ रेसिपी ठीक है जी जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़ जी हाँ मैं रिपीट करता हूँ पहले मैं इसमें मसाले डाल दूँ ठीक है इसको कवर कर दिया था इनके मैं कवर कयो कवर करने जो मकसद छा हो कि भाजियों असांजी गरी वञनि टमाटा जे अंदर गरी वञनि ठीक है जब ये गल जाए तो इसमें हम मसाले डालते हैं पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली हुई दो अदद चॉप करके इसलिए मिर्चें कम रखनी है ठीक है सावा मिर्च विधल आहिनि त अधु चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च अधु चाय जो चमचे का घटि कुटियल गाढ़ा मिर्च वधीक ना आहिनि विझणा ठीक आहे हैड विझंदासीं अधु चाय जो चमचो ठीक आहे ऐं लूणु हिन में वेंदो अधु चांहि जो चमचो बस सॉरी हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी थी पहले दो अदद चॉप करके भगार में तो स्पाइसी ना हो जाए इसमें आपने पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून से भी कम लेवल में रख के डालिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ी ना आ जाए और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दिया और नमक आधा चाय का चम्मच हंसबे ज़रूर डाल दिया ठीक है इसको भूनने के बाद अब इसको कवर कर देंगे दम पे 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी डिश आउट कर लेंगे ठीक है सॉरी दालचे जी रेसिपी रिपीट कराया पे दालचे जे ला असांखे छा छा खपे लौकी खणजो अधु किलो जेतिरी हुजे लंबाई में कटिंग कयो गोल वारी आहे त 4 पीस करे छॾिजो हिकु कप चणे जी दाल अधु कप मुङनि जी दाल अधु कप मसूर जी दाल अगरि चाहियो त अञा सुठो करण लाइ में माश जी दाल बि विझी सघो था अधु कप ठीकु आहे उनखां लेस सुठी ठहंदी आहे दालुनि खे पिसाए छॾिजो कलाक ॾेढ पोइ उनखां पोइ बॉइल करे छॾिजो गरी वञनि त उनखां पोइ हुनखे ग्राइंड करे छॾिजो पीसे छॾिजो दालुनि खे या घोटो लॻाए छॾिजो ठीकु आहे साइड में रखी छॾिजो पोइ असां ऑयल गरम कंदासीं अधु प्याली दालचीनी जी ॾंडियूं 1-2 अदद हुनजे अंदरि विझो नंढा पोटा तोड़े विझिजो 4 अदद ठीकु आहे कढ़ी पत्ता हिन जे अंदरि विझंदासीं
कड़ी पत्ता तकरीबन 6 खां 8 या 10 जितना तक ना ही तो ना विझो जरूरी ना है ठीक है। तेज पत्तो जो गरम मसाले से गड़ों वो एक विझी छो हल्को सो जो दाग ठो में विझो मेथी दाणा हुड़बे जहाँ बीज जो हूँ हाफ टी स्पून का भी घट क्वार्टर टी स्पून सावा मिर्च 2 खां 3 अदद चॉप कर विच में 2 कर विझी छो ठीक उनके भुंजासी जीरो विझासी 1 चाय जो चमचो भगार ठो भगार ठहण का पोता बसर विझो 1 गंढ बसर की हाफ स्लाइस कटिंग कर बसर विझासी बसर जैसे गोल्डन कलर में अची वो अदरक थूम जो पेस्ट वो इनके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक थूम जो पेस्ट विझो दाग ठो वरी उनके अंदर टमाटा विझी छो 2 अदद चॉप कर बारीक ठीक है। कवर कर छो टमाटन से गड टमाटा मसाले में गरी वा इनमें विझा पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो हेड 1 चाय जो चमचो पीठल दाणा 2 चाय जो चमचा लूण 1/2 चाय जो चमचो विझी छो ठीक है। उनका मसाले के थोड़ा भुंजन भुंजन का पोए तांजे अंदर छा विझो लौकी लौकी विझी 2-3 मिनट भुंजणो है लौकी में फ्लेवर अची वे मसाले जो उनका पोए तां छा कंदो 1/2 प्याली पानी विझी कवर कर दम से रखी छो लौकी गरी वी ऑयल मथे अची वो उनमें विझी छो बॉयल दाल जो दाल पीसे रखी हुई दाल विझी छो मिक्स कजो एक बॉयल अचण लगे गिदामड़ी जो पेस्ट विझी छो 2 टेबल स्पून घाटो वो विझी मिक्स कजो मिक्स कर इनके दम से रखी छो मीन्स के हल्की बाहि से 1 प्याली पानी 1/2 कप का मुन्नो कप पानी विझी हल्की बाहि से रखी छो जैसे दिसंदो लौकी गरी वही ऑयल मथे अचण लगन दालचो तैयार थी वे गरम मसालो पाउडर इनमें विझासी दालचीनी पाउडर विझासी इनके डिश आउट कर वाँसी ठीक है। ये भुनाई करके इसको अब दम पे लगा रहा हूँ ठीक है। इसको हमने भून लिया भूनने के बाद इसको दम पे लगा देते हैं 5 मिनट जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे दालचे को देखते हैं अच्छा ब्रेक जो टाइम थे पे दालचो असो तैयार पे थे बस इनके ब्रेक का पहुंची असा इनके डिश आउट कंदी कवर क्या तो 5 मिनट जला ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं 5 मिनट के लिए कवर करते हैं उसके बाद हम बनाएंगे मिर्चों का क्विक अचार वटू तक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नज़रीन ब्रेक का पे तिठो कि गजर की भाजी ठाई हुई वो तैयार थी हुई है ठीक है। जो आलू सॉरी गाजर और हरी प्याज की सब्जी बनाई थी मैंने डिश आउट कर दी आप देख सकते हैं। दालचा हमारा तैयार हो गया जब दालचा तैयार हो जाए इसमें हम क्या डालेंगे आखिर में ठीक है। आखिर में गर्म मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून 1/2 चाय जो चमचो गर्म मसालो पाउडर ठीक है। और यहाँ पर क्या डलेगा दालचीनी का पाउडर 1/2 टी स्पून आपने पीस के डालनी है दालचीनी 1/2 टी स्पून इसी की खुशबू आएगी इसी का फ्लेवर आएगा ठीक है। 1/2 चाय जो चमचो दालचीनी जो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर विझी इनके 2 मिनट बंद कंदा इनके अंदर खुशबू अची वी ठीक है। इसके अंदर खुशबू आ जाएगी दालचे की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ 1/2 किलो से 3 पाव लौकी लेनी लंबाई में कटिंग कर लें जूलियन स्टिक में और दाल आप बॉयल कर लें 1 से 1.25 कप आपने चने की दाल ले ली 1/2 कप मूंग की धुली हुई दाल 1/2 कप मसूर की धुली हुई दाल ठीक है। 2 से 3 चम्मच माश की दाल डालेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। इसको भिगो दें 1 घंटा उसके बाद बॉयल करें बॉयल करके दाल जब चने की और गल जाए पीस लें ग्राइंडर में ब्लेंडर में पीस के निकाल लें ठीक है। फिर इसको साइड में रख दें ऑयल गरम करें 1/2 कप जितना सॉरी 1/2 कप से कम 1/2 प्याली 8 से 10 टेबल स्पून ऑयल गरम करें उसमें आपने भगार डालना है। सबसे पहले कड़ी पत्ता डालें 6 से 8-10 जितने आपको अच्छे लगते हैं नहीं है तो ना डालें ऑप्शनल है ठीक है। उसके बाद आपने दालचीनी की 2 स्टिक डालनी है तेज पत्ता 1 अदद डालना है छोटी इलायची तोड़ के 4 अदद डालनी है ठीक है। खुशबू आने लगेगी उसके बाद आपने इसमें डाल देना है मेथी दाना 1/4 टीस्पून ठीक है। और उसके साथ फिर आपने इसमें सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच डालना है। ये डालने के बाद 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डालें भूनें भगार आ जाएगा खुशबू आने लगेगी। तो फिर आपने 1 अदद प्याज ऑमलेट हाफ स्लाइस कटिंग करके बारीक वो डालना है गोल्डन ब्राउन लाइट कलर में हो जाएगा प्याज। उसके बाद आपने डालना अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल के इसको भूनें अच्छी खुशबू आने लगे। फिर टमाटर डाल दें 2 अदद ऑमलेट की तरह चॉप करके कवर कर दें 5 मिनट टमाटर गल जाएंगे नरम हो जाएंगे फिर खूब भूने टमाटर मसाला नरम हो जाएगा। पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच और नमक 1/2 चाय का चम्मच डाल के मसाले को अच्छी तरह आपने भूनना है ठीक है। जब भुनाई करके कलर आने लगेगा फिर आपने लौकी निकाल कटिंग करके डाल देनी है लौकी डाल के इसको 2 मिनट भूने 2 से 4 मिनट लौकी में फ्लेवर आ जाएगा मसाले का। फिर उसमें 1/2 कप पानी डाल के उसको हल्की आंच पे दम पे लगा दें लौकी जब आपकी गल जाएगी फिर बॉयल दाल जो है वो आप उसमें डाल दें मिक्स करें एक बॉयल आने दें इमली का पल्प डालें इसमें 2 टेबल स्पून इमली का पल्प डालना है फ्लेवर देने के लिए। इमली का पल्प डालने के बाद हरी मिर्चें 2 अदद साबित 3 अदद डाल दें 1 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे 25-20 मिनट पकने दें। जब आप देखेंगी ऑयल ऊपर आ जाएगा लौकी आपकी गल जाएगी दालचा आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसमें मैंने क्या डाला गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून और दालचीनी का पाउडर बना दें दालचीनी 2 स्टिक पीस के वो डाल दें उससे बहुत अच्छा अरोमा आएगा इसके अंदर कवर कर दें अंदर खुशबू बैठ जाए। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हरा धनिया 1/2 कप मैंने इसमें मिक्स कर दिया ठीक है। 1/2 कप जितना यानी
4 टू 6 टेबल स्पून हरा धनिया डाला, ये दाल चावल तैयार हो गया। इसको डिश आउट करते हैं, फिर हम बनाते हैं अचार। कॉल बैठा था शगुफ्ता है नवाब शाह से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये दाल चावल आप गोश्त वाला बना रहे हैं या सिर्फ लौकी? आज मैंने लौकी वाला बनाया है, दाल गोश्त वाला मैं इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा वो भी। अच्छा, एक वो मसूर साबुत मसूर और बोनलेस बीफ में भी बनता है, कभी वो भी बनाएंगे? दालचा जी, दालचा तो नहीं हाँ। लेकिन ये बीफ के साथ साबुत मसूर की दाल बहुत लजीज बनता है। किस चीज के साथ दोबारा बताइएगा आवाज? बीफ के साथ मसूर? अच्छा अच्छा ठीक है, जी जी बीफ के साथ, ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ। बल्कि आप भेज दीजिएगा मुझे रेसिपी अपनी। हाँ हाँ मैं भेजूंगी जरूर इंशाल्लाह। हाँ लेकिन एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि जरा मसरूफियत है। नहीं नहीं मैं भी अभी बिजी हूँ, तो एक वीक में भेजिएगा। अच्छा। और आपकी वो जो है माश की दाल आपने भेजी थी ना रेसिपी, वो भी बनाऊंगा पुदीने के साथ। चलिए सर, ये आपको याद रहता ही, ये मुझे अच्छा लगता। नहीं नहीं मुझे याद सब रहता है, लेकिन मैं बनाऊंगा, टाइम की वजह से ना वो सारी रेसिपियाँ इंशाल्लाह वो भी बनानी है मैंने, मुझे याद है। जरूर जरूर, ठीक है थैंक यू, शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ से हमने ये देखें दालचा कितना अच्छा लग रहा है, इसमें सब नजर आ रही वेजिटेबल्स भी, ठीक है इन तरीके से ही दालचा असांजो तैयार थी। क्लियर कही था चलूँ इनके शिफ्ट कयूँ था होते थोड़ा करी पत्ता मां यहीं सुठो थोड़ो लुक देने ला मथा विझी तो चलना, ठीक है थोड़े कड़ी पत्ते मैंने वैसे डाल दिए लुक देने के लिए। ठीक है ये हो गया, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, फिर हम बनाते हैं अचार। एक रेसिपी ये थी भाई, एक रेसिपी सही थी भाई दालचा, ठीक है ये दो रेसिपीज हो गई दालचा, और उसके साथ मैंने बना दिया है गाजर और प्याज की सब्जी। अब हम आते हैं किस पे, अचार पे, हरी मिर्च का अचार। आधा पाव हरी मिर्च लेनी बारीक वाली, उसको कटिंग कर लें जैसे यहाँ पे रखी हुई, ठीक है आधा पाव सावा मिर्च बारीक वाला खड़ी उनके कटिंग कर सजो, ठीक है ये बारीक हरी मिर्च आप देख रहे हैं। आधा पाव हे लिखा जो इरफान, तेल खड़ा सी 4 टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका निकालना भूल गया मैं ले लेता हूँ, सफ़ेद सिरका हम डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून हो जाएगा, बस दफ़ा निकालना भूल जाती है तो वो भी ले लेते हैं एक बॉल में, बल्कि ऐसे ही रख लेते हैं, मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका हम यूज़ करेंगे, 4 टीस्पून सफ़ेद सिरका, और उसी क्वांटिटी में हमने ऑयल लेना है सरसों का, ठीक है कोई भी सिरका हो अच्छा सा हो अच्छी कंपनी का हो, लेकिन वो जो सिरका कास्ट होता है वो नहीं लेना है आपने, ठीक है सिरका हो गया जी। कराची से कॉल लेते हैं आयशा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम फैसल भाई, हम आपका शो देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। दरअसल सामान सिंधी आई वादा जी, तहां असा सिंधी आई वादा। हेलो सुठी गाल है, तहां लाइक कंदा हो, थैंक यू वेरी मच। अमा दिसनी है शौक सां बच करी करी सिंधी टीवी दो ले आदा, मुखे मुर्गी जो सालन टाइम से कारियो सुठे तरीके सा आई करी 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 दी उन्हें सांगन तरी, मतलब तरी वाली शोरबे वाली कौन हुंदी है जका? हां शोर तहारी नैना करी कौन हुंदी है जका पकोड़न वाली? कड़ी पकोड़न वाली, हाँ ठीक है गर्मियों अचन पे थोड़ो वेट कर इंशाल्लाह जरूर ठाईंदासी, ठीक है आई बियो मुर्गी जो सालन, मुर्गी जो सालन भी मां इंशाल्लाह जरूर ठाईंदम, ठीक है दी थैंक यू अल्लाह हाफिज। अचार का मसाला हम बनाते हैं, आधा पाव हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, ठीक है बारीक वाली सावा मिर्च अद्धा पाव खंड जो 100 ग्राम 125 ग्राम धोई साफ करी पानी का खुश करे पोइन के कटिंग करे रखियल है, हिते सरे जो ऑयल थोड़ो विंदो आई सिरको विंदो, हिते मां मसालो ठाया पे जो अद्धा चाय जो चमचो मेथी दाणा, एक चाय का चम्मच इसमें राई, एक चाय जो चमचो राई, अधे चाय जो चमचो मेथी दाणा, ब चाय जो चमचा सौंफ, सौंफ थोड़ो वधीक हुंदो है ठीक है, अछो जीरो अधे चाय जो चमचो कलौंजी, एक चाय जो चमचो, एक चाय का चम्मच कलौंजी, दो चाय के चम्मच सौंफ, एक दो चाय के चम्मच राई, ठीक है दो चाय के चम्मच राई, एक चाय का चम्मच कलौंजी, दो चाय के चम्मच सौंफ, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, बस इस मसाले को अपने रोस्ट करना अच्छा सा, ठीक है क्या क्या डाला दोबारा बता देता हूँ, सौंफ दो चाय के चम्मच, राई दो चाय के चम्मच, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, और कलौंजी एक चाय का चम्मच, और सफ़ेद जीरा 1/2 टीस्पून। इसको हल्का सा रोस्ट करें, बहुत ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, खुशबू आ जाए बंद कर दें, ठीक है इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है, ठंडा करके टाइम इतना नहीं है तो मैं गरम ही इसे ग्राइंड कर दूंगा, ठीक है ठीक है। हे रोस थी वो खुशबू अचे पई, हे मसालो असा ग्राइंडर में विझंदा, ब चाय जो चमचा सौंफ, ब चाय जो चमचा राई जो असा अचार में विझंदा, एक चाय जो चमचो कलौंजी, अध चाय जो चमचो अछो जीरो, मेथी दाणा जो उर्बे जहाँ बीज हूँ वो तक एतो विझंदो, इनमें
अध चाय के चमचे का थोड़ा घट ठीक है कोड़ा थी वेंदा वधिक ना यूज कंदा को हे थी विया इन का पॉइंट के पीसंदासी थदो करे ता पीस जो मां गरम मजबूरी में पीसा पियो छाकण ता प्रोग्राम जे हिसाब से मखे सब रेसिपी कंप्लीट करे दिखाणी हन ताके ठीक है इसको हमने ग्राइंड करना है ये होता है चार मसाला ठीक है बिल्कुल पाउडर ना होजन खपे थोड़ो जे कुटियल हुंदा हुंदे तरीके से ठाए जो ठीक है वो बॉल खणू था इनमें खड़े था पानी ना हो जाए देखें एक बॉल में मैंने डाल दिया ये कुटा हुआ मसाला अचार का ठीक है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है जो अचार का मसाला मार्केट में मिलता है वो यही होता है ये आधा पाव जितने अचार के लिए काफ़ी होता है एक पाव के लिए फिर आपने मसाले को डबल करना होता है ठीक है इनमें विझंदासी हाणे कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच चला गया हल्दी पाउडर इसमें चला गया एक चाय का चम्मच लेकिन भर के नहीं डालना है ठीक है हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच पिसे लाल मिर्च थोड़ी सी क्वार्टर टी स्पून वरना नहीं चले हरी मिर्चों का अपना फ्लेवर है नमक मैंने कहाँ रख दिया नमक इसमें चला जाएगा आधा चाय का चम्मच हाफ टी स्पून नमक बहुत सॉरी एक चाय का चम्मच नमक ठीक है मिर्चें जी एक चाय का चम्मच हमने नमक डाला ठीक है मिर्चें इसमें डाल दी एक चाय जो चमचो लूण विधो इनमें आएँ एक चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च ठीक है आई हाइड एक चाय जो चमचो एक चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच नमक एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाला उसके बाद आपने क्या करना है अच्छी तरह मिक्स करना है अचार के लिए जो भी बोतल आप लें उसमें ये अचार की मिर्चें आप भर दें ठीक है ये सारी मिर्चें मसाले के साथ आपने इसमें भरनी है अच्छा ये धूप में आप रखेंगी तकरीबन 6 से 8 दिन ठीक है धूप में आप रखेंगी 6 से 8 दिन तो बिल्कुल आपका अचार तैयार हो जाएगा ज़बरदस्त मिर्चों का अचार होममेड और ये 6 महीने तक गीला चम्मच ना डाले तो 6 महीने तक आप चला सकते हैं ठीक है आलो चमचो इनमें ना विझिजो बिल्कुल आराम सा सफाई से इनके इस्तेमाल कंदो तो इनमें तव्हां 6 महीननि में भी ये अचार ख़राब ना थींदो ऐं हिनखे वॾे चमचे सां भरूं था ठीक है अच्छी तरह ये सारा मसाले के साथ हरी मिर्चें अपने बोतल में भर देनी है ठीक है ये हो गया पूरा जाया ना हो इसमें सिरका डलेगा अच्छा सिरको कास चेक कौन दो है सत सिरको जिनके चाहिए वो अगर ना विझो तो उनमें अध चाय जो चमचो विझिजो ठीक है सादो सिरको मैं इनमें इस्तेमाल किया पर सिरका कास जो होता है वो आपने अगर डालना है तो फिर आप वो डालेंगी आधा चाय का चम्मच बहुत तेज़ होता है वो ख़राब कर देगा ठीक है वो बहुत कम डाला जाता है अब 4 टीस्पून हम इसमें नॉर्मल सिरका डालेंगे ठीक है ये चला गया सरसों का ऑयल इसमें जाएगा कितना 6 टेबल स्पून बस 6 खाने चम्मच सरे जो ऑयल इसको बंद करें बंद करके एक दफ़ा इसे हिला देते हैं ठीक है जी ठीक है ये आपने देख लिया इस तरह बोतल को हिला दें हिलाने के बाद इसको क्लियर करें और फिर 7 दिन तक 8 दिन तक इसको आपने रख देना है कहाँ पे धूप में सख्त धूप हो जैसे निकाल के इसको धूप में रखें अचार को बहुत मज़ेदार ये अचार बनेगा ठीक है हे अचार थी वो टई रेसिपियूं तुम साम्हूं ठाई हुई सुबह जो 11 बजे रिपीट हलो ठीक है कोई चीज़ समझना है सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है रेसिपी अपलोड हो जाएगी वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो सिंध टीवी HD कुकिंग शो सब्सक्राइब करें मेरे पेज को मेरे जो वीडियोस हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वो रेसिपीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएंगी ठीक है और कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर कल देखिएगा कल भी पूछ सकती हैं और पेज पे मुझे कमेंट्स भी कर सकती हैं और रेसिपी के बारे में कुछ पूछना तो ये अचार ज़रूर बनाइएगा बहुत मज़े का हरी मिर्चों का गर्मी आ रही है बहुत सारी अचार की वैरायटी अब स्टार्ट करेंगे साथ साथ मैं क्विक अचार आपको बनाना सिखाऊंगा ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुभाणे इंशाल्लाह मुलाकात थींदी नई रेसिपी सां गॾु सुबुह जो 11 लॻी 5 मिनट ते रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ़ मुंहिंजो पेज आहे हुते रेसिपी अपलोड थी वेंदी वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो सिंध टीवी HD कुकिंग शो तव्हां सर्च कंदो यूट्यूब ते मुंहिंजी हुते रेसिपीज़ आहिनि हुनखे सब्सक्राइब कंदो सॼी रेसिपीज़ तव्हांखे मिली वेंदियूं ऐं तव्हां लाइक हिकिड़ो मेंबर ठही वेंदो तव्हांजे पेज ते जॾहिं हितां अपलोड थींदियूं तव्हां वटि अची वेंदियूं रेसिपी जो लिंक अची वेंदो ऐं इहे टई रेसिपियूं जेके आहिनि मां पेज ते अपलोड कंदो दुआउनि में यादि रखिजो इनशाला सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी तेसिताईं अला हाफ़िज़
Thank you.